मॉर्निंग 8 AM, आफ्टरनून 1 PM। यहाँ तक तो सबका सीन बहुत ज्यादा सॉर्टेड रहता है, पर असली मजा तो इवनिंग में आता है जब दिमाग कुछ ऐसे सोचने लगता है। और फिर क्या, दिमाग और दिल के बीच भयानक फाइट होती है और ये फाइट हमें यहाँ तक लेके ही आती है। फिर पेट मनचाहा खाता है पर घर आके गिल्ट ही आ जाता है। यार क्या डाइट फॉलो करूंगी मैं, क्रेविंग्स तो मुझसे कंट्रोल नहीं होते, इससे अच्छा मैं डाइट ही छोड़ दूं। अरे अरे इतना जल्दी डाइट पे गिव अप ऐसे मत करो यार। तो फिर क्या करूं? ये वीडियो देखो, बिकॉज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आपका चटपटा चाट आप विदाउट गिल्ट खा सकते हो। पर चाट विदाउट गिल्ट कैसे खा सकते हैं? क्यों नहीं खा सकते? बिकॉज हम बनाएंगे कुछ हेल्दी सा चाट और वो बहुत टेस्टी भी होगा। तो इसके लिए चेहरे पे एक मस्त मुस्कान लेके आना, क्योंकि आज हमें टेस्टी टेस्टी रगड़ा पैटिस है बनाना। तो ये लिया हमने वेइंग मशीन, बिकॉज प्रोटीन कैलकुलेट करके ही खाएंगे। और ये डाले हमने छोले, थोड़ा सा और थोड़ा और, 100 ग्राम से थोड़ा ज्यादा ही हो गए हैं। अगर हमने गूगल किया तो बहुत सारे सोर्सेस हमें कुछ भी बताते हैं, पर चलो एक अच्छे वाले सोर्स से ये मिली हमें सही इन्फॉर्मेशन, तो 100 ग्राम छोले में 9 ग्राम प्रोटीन तो मिल ही जाएगा और हमने थोड़े ज्यादा ही लिए हैं। तो छोले को हमें 5-6 घंटे तक पानी में अच्छे से सोक करके रखना है। और ये अब छोले अच्छे से सोक्ड हो चुके हैं, तो ये डाले हमने उसे कुकर में, और इसमें जाएगा टर्मरिक, थोड़ा रोस्टेड जीरा पाउडर, स्वादानुसार नमक एंड थोड़ा सा चाट मसाला और ढेर सारा पानी। कुकर को किया बंद, गैस को किया चालू। अच्छे से हमेशा कुकर को चेक करते रहना चाहिए, बिकॉज सेफ्टी कम्स फर्स्ट। और ये लगा ली हमने मनचाही सीटियां, 5, 6, 7, 8 होने दो। अब हमें लेना है एक छोटा सा आलू और एक मीडियम साइज आलू, उसे भी हमें कुकर में बॉईल करने के लिए रख देना है। अब एक गैस पे आलू है, एक गैस पे छोले भी है, तब तक हम क्या करें, डांस करें? नहीं नहीं, बहुत काम है। अब हम लेंगे थोड़े से ओट्स। अरे पता है मुझे, ओट्स का नाम सुन के ही थोड़ा सा मुंह तो बनता है, बट ट्रस्ट मी कुछ अच्छा ही बन रहा है। तो ये हमने ओट्स को मिक्सर में डाल के उसका अच्छे से फाइन पेस्ट बना लिया है। अब हमारे आलू भी रेडी है। अब हमें आलू को अच्छे से स्मैश करके लेना है, और स्मैश होने के बाद उसमें हमें डालना है ओट्स का पेस्ट। अब ये आलू और ओट्स में जाएगा ये सुंदर सा प्लेट। उसमें पहले आएगी रेड चिली, फिर आएंगे 4-5 गार्लिक और इतना सा जिंजर, उसका हमें पेस्ट बना लेना है। अब जाएगा सॉल्ट, थोड़ा सा जीरा, थोड़े से सीजमे सीड्स एंड लास्ट में कोरिएंडर। ये सबको अच्छे से प्यार से आराम से मिक्स कर दो, और ओट्स की वजह से ये फायदा होगा कि मिक्सचर ज्यादा स्टिकी भी नहीं होगा। अब हम ये मिक्सचर की बनाएंगे छोटी छोटी बड़ी बड़ी टिकिया, आप अपने हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हो। अब हमारी टिकिया भी रेडी है, इसे हमें थोड़ा सा शैलो फ्राई करना है। अरे डोंट वरी, पानी पूरी वाले भैया जितने ज्यादा ऑयल में टिकिया या फिर टिकियों में ऑयल डालते हैं ये समझ नहीं आता, वैसे हम बिल्कुल नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे बन रहा है हेल्दी पैटीज। ये लिया हमने आयन का पैन, उसमें डाला हमने थोड़ा सा ऑयल, और थोड़ा पैन को हीट होने दो, और फिर अब टिकियों से मॉइस्चर भी खोने दो। मेरा मतलब वन बाय वन आप अपनी टिकिया उसमें डाल सकते हो। दोनों साइड से हमें टिकियों को अच्छे से फ्राई करना है, बीच बीच में हमें उसे प्रेस भी करते रहना है ताकि वो अंदर से भी बहुत ज्यादा क्रिस्पी बन जाए। अब बचा क्या, अगर रगड़ा का कुकर खोल के देखो तो रगड़ा रेडी है, पर अगर वो अच्छे से स्मैश नहीं हुआ होगा तो आप 1-2 सीटियां भी ले सकते हो, या फिर उससे स्मैशर से भी स्मैश कर सकते हो। और यहाँ पे अपनी टिकिया भी रेडी है। चाट बना ही रहे हैं तो तीखी चटनी और मीठी चटनी दोनों को कैसे भूल सकते हैं। ग्रीन चटनी के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा धनिया, 3-4 गार्लिक के पीसेस, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा जीरा, 2 ग्रीन चिलीज, नमक एंड स्क्वीज सम लेमन एंड थोड़ा सा पानी, ग्राइंड इट एंड डन। थोड़ा सा लास्ट में चाट मसाला, मिक्स इट वेल एंड इट इज रेडी।
मीठी चटनी के लिए मैंने 30 मिनट इमली और जागरी को पानी में सोख करके रखा था। अब हम ये थोड़ा सा अपने हाथों से मिक्स कर लेंगे। नाउ हम इसे बहुत अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे और हमें थोड़ा सा थिक मिक्सचर चाहिए। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा रोस्टेड जीरा पाउडर एंड चाट मसाला। मिक्स कर दो एंड डन। अगर चटपटा चाट बन ही रहा है तो प्याज का खून होना तो बनता ही है। तो ये हमने काटे छोटे 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 प्याज। प्लेटिंग के लिए हमने स्वच्छ सुंदर ट्रेडिशनल सी प्लेट ले ली है। उसके बाद हमने डाली दो टिक्कियां। उसके ऊपर जाएगा छोले का प्रोटीन रिच रगड़ा, फिर थोड़ी सी ग्रीन चटनी, फिर थोड़ी सी मीठी चटनी एंड फिर बाद में ऑनियंस। एंड चाट है तो सेव तो बनती ही है, पर अगेन जो पानी पूरी वाले भैया डालते हैं उतना भर भर के सेव हमें नहीं डालना है। सो जस्ट इतना सा काफी है। तो लेते हैं हम फर्स्ट बाइट एंड यस मूड एकदम लाइट बिकॉज ये बना है वाव एंड वेरी नाइस। ऊपर से हम गिल्ट फ्री भी खा रहे हैं और ये खाने के बाद हमें प्रोटीन के लिए फाइट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। हफ्ते में एक बार आई ईट दिस लंच के लिए और या फिर डिनर के लिए। टेस्टी, हेल्दी, डिलीशियस, न्यूट्रिशियस और मैं क्या ही बोलूं, एकदम मस्त है। तो एक बार ये आप जरूर ट्राई करना बिकॉज डाइट का नाम ये नहीं कि खुद को हमेशा पनिश करना। जहाँ चाह है वह राह है बिकॉज अगर सच में वेट मेंटेन करना है या फिर वेट कम करना है तो थोड़ा सा अलग सोचने की जरूरत है। आप आपका फेवरेट फूड भी खा सकते हो, डाइट भी बैलेंस कर सकते हो और एक ही तो लाइफ है, आराम से मजे से जी सकते हो, क्यों किसी चीज का गिल्ट लेना। सो गाइज प्लीज ट्राई आउट दिस हेल्दी रेसिपी एंड इट इज रियली टेस्टी। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन आपको पता है क्या करना है। टिल देन एंजॉय लाइफ, बी हैप्पी एंड बी गिल्ट फ्री। बाय।